एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है भाई। हमने लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक होगा भाई, वो होगा धनायन विनिमय और पौधों का पोषण, ठीक है। कि जो आपके विनिमयशील धनायन है वो पौधे और सूक्ष्म जीव के पोषण को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, किस प्रकार से आपकी पोषण की क्रियाविधि संपन्न होगी, उस सारी बातों का आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले, ठीक है। समझ गए? तो एक एक लाइन को पढ़ते हुए आसानी से समझते हुए चलेंगे भाई, तो कहीं कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो बताता हूं पहले आपको, देखो क्या लिख रहा है। पहली लाइन में अधिशोषित धनायन पौधे और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, कि जो आपके अधिशोषित धनायन है वो पौधे और सूक्ष्म जीव दोनों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अधिशोषित धनायन कौन से? आपके जो क्ले के ऊपर, मृदा कण के ऊपर जो जमे हुए हैं, ये आपके आयन कौन से हैं भाई? ये आपके अधिशोषित धनायन है। कौन से आयन है भाई? ये आपके अधिशोषित धनायन है। और ये अधिशोषित धनायन ही क्या करते हैं भाई? विनिमय करते हैं, जिनसे आपका धनायन विनिमय की क्रियाविधि होती है। तो इनका जो विनिमय है वो कैसा हो जाता है भाई? आसानी से हो सकता है। और इनका विनिमय आसानी से हो जाएगा तो ये पौधों को आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि अधिशोषित जो धनायन है वो पौधे और सूक्ष्म जीव दोनों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्थानांतरण होता, विनिमय होता रहता है भाई, अदला बदली होती रहती है। तो इस प्रकार से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। पौधों को उपलब्ध हो जाएंगे, जड़ें अवशोषित कर लेंगी और सूक्ष्म जीवों के पृष्ठ पर भी अधिशोषित हो जाते हैं। समझ गए बात को? सूक्ष्म जीवों के भी ये पोषण पोषक तत्वों का क्या कर देते हैं भाई? काम कर देते हैं, उनकी भरपाई कर देते हैं। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। दूसरी लाइन देखना भाई, दूसरी लाइन में क्या बात कर रहा है? यह ऐसी क्रियाविधि है, यह ऐसी क्रियाविधि है जो अधिशोषित धनायन की प्राप्ति को आसान कर देती है। भाई सीधी सीधी बात है, धनायनों का क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है, भली प्रकार से विनिमय हो रहा है, अदला बदली हो रही है, तो इनकी प्राप्ति भी कैसी हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है एक ही जगह पर बंधे पड़े हैं, चिपके पड़े हैं। इनका विनिमय हो रहा है तो इनकी उपलब्धता भी कैसी हो जाएगी? आसानी से संपन्न हो जाएगी। आगे चलते हैं। इस संबंध में विनिमय दो प्रकार से कार्य करता है। विनिमय कितने प्रकार से कार्य करता है भाई? दो प्रकार से। देखो पहले कार्य को देखो, पहला कार्य देखो, पहले में क्या बोल रहा है? पहले यह पोषक तत्व को स्वतंत्र करता है। धनायन में क्या करता है? पहले पोषक तत्व को स्वतंत्र करेगा, जो मृदा विलयन में चले जाते हैं। विलयन में यह मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं, जो उनका शोषण कर लेते हैं, या फिर ये जल निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं। अब समझना भाई इस कहानी को, क्या बोल रहा है ये? कि ये रहा आपका, मान के चलो, क्ले का कण, और इसके ऊपर आपका धनायन अधिशोषित है, ठीक है। तो विनिमय आपका दो प्रकार से कार्य करेगा, जिसमें पहला कार्य क्या बता रहा है ये, कि यह तो पहले तो क्या करता है? पोषक तत्व को स्वतंत्र करता है, यानी क्ले के कण से धनायन का क्या होगा? विनिमय होगा। विनिमय का मतलब ये धनायन यहां से हटकर बाहर आएगा। तो बाहर आने के साथ साथ इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, कि या तो ये जो धनायन है या ये जो आपका पोषक तत्व है ये पानी के बहाव के साथ नष्ट हो जाए, जल निकास के साथ ये कैसा हो जाए भाई? बाहर चला जाए, आपके जो जमीन है, आपके पेड़ पौधे जाए वहां से ही बाहर चला जाए आपके, ठीक है। जल निकास द्वारा इसकी क्या हो जाए? हानि हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कि ये जैसे ही मृदा विलयन के अंदर आया, तो मृदा विलयन के अंदर आते ही, मान के चलो कोई पेड़ पौधा आया आपका, तो पेड़ पौधे की जड़ों द्वारा इस धनायन का क्या कर लिया गया? अवशोषण कर लिया गया। या कोई सूक्ष्म जीव है तो उस सूक्ष्म जीव ने इस धनायन को क्या कर लिया? इस पोषक तत्व को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। समझ गए बात को? तो इस पूरी कहानी को हम समरी करके ऐसे लिख सकते हैं कि आपका क्ले का कण था, उसके ऊपर धनायन अधिशोषित था आपका। ये धनायन कहाँ आया भाई? मृदा विलयन में आया। और मृदा विलयन में आने के बाद इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं उसने इसको अवशोषित कर लिया, ग्रहण कर लिया, या सूक्ष्म जीव हैं उन्होंने इसका क्या कर लिया? शोषण कर लिया। तो इस तरीके से ये यूज में आ सकता है, या ये जल निकास द्वारा क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। समझ गए पहले पैराग्राफ को? आगे चलते हैं दूसरे कार्य की तरफ। देखना भाई दूसरा कार्य देखो, दूसरे कार्य में क्या बोल रहा है? कि यदि मूल रोमों और सूक्ष्म जीव मृदा कोलोइडी सतह के निकट संपर्क में होते हैं, अगर आपका जो मूल रोम है और जो आपके सूक्ष्म जीव है वो मृदा कोलोइड की सतह के निकट है, यानी ये जो अभी आपका क्ले का कण था जिसके ऊपर आपका धनायन अधिशोषित था, उसके पास ही आपके क्या है? पेड़ पौधे की जड़ें हैं और सूक्ष्म जीवों की अधिकता है, तो क्या होगा? तो मृदा कोलोइड और मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के बीच धनायनों का एक सीधा विनिमय भी हो जाता है। इसमें से मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों पृष्ठ पर पैदा हुए H+ आयन और अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है। बड़ी सीधी सीधी बात है, समझना भाई। पहले पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ को, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इससे पोषक तत्वों का जल निकास द्वारा नष्ट होने का भय नहीं रहता,
ठीक है, समझना इस तीनों कहानी को समझना, ठीक है। डायग्राम से समझाता हूँ, ये आपका कोलोइडी कण है, ठीक है, क्ले का कण है, जिसके ऊपर भी ऋणावेश होता है, उसके ऊपर भी धनायन अधिशोषित हो सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसके निकट ही क्या है भाई, मूल रोम है। मूल रोम का मतलब पौधे की जड़ का जो भाग होता है ना, आगे का नुकीला जो भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम। तो इसके निकट ही क्या है आपका मूल रोम, ये रहा आपका सपोज जड़ का जो आगे आगे का भाग जो हिस्सा, मूल रोम है, ठीक है। और इसके निकट ही आपके क्या है भाई, सूक्ष्म जीव है। इसके निकट ही आपके क्या है भाई, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो सकता है कि इनके ऊपर भी अधिशोषित H प्लस आयन है। सूक्ष्म जीव के पृष्ठ पर भी कौन से अधिशोषित आयन है, H प्लस, और पौधे की जो जड़ है उसके ऊपर भी अधिशोषित आयन है, कौन से, H प्लस। तो इनके आपस में भी डायरेक्ट सीधा विनिमय भी इनका हो सकता है। सीधा विनिमय कैसा, कि पौधों की जड़ों से जो H प्लस आयन है वो तो इस कोलोइडी कण पर चला जाए, और इस कोलोइडी कण के ऊपर जो आपका धनायन अधिशोषित है वो आकर किस पर चिपक जाए, एक सेकंड, क्या हो गया, वो आकर किस पर आ जाए भाई, पौधे के मूल रोम पर आ जाए। तो यहां भी क्या हो गया, विनिमय हो गया। या दूसरा विनिमय किस तरीके से हो सकता है, कि कोलोइडी कण पर जो धनायन है वो तो किस पर अधिशोषित हो जाए, सूक्ष्मजीव के ऊपर जाके, और सूक्ष्मजीव के पृष्ठ पर जो H प्लस आयन है वो आके कहां शिफ्ट हो जाए भाई, कोलोइडी कण के ऊपर अधिशोषित हो जाए। समझ गए? तो यहां कैसा विनिमय हो रहा है, सीधा विनिमय, डायरेक्ट विनिमय हो रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब मृदा कण के निकट ही आपका क्या हो, पौधे की जड़ हो, यानी मूल रोम हो आपका, और वहां पर सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता कैसी हो, ज्यादा हो, यानी सूक्ष्मजीव भी आपका पास में हो और पौधे की जो जड़ है, जो मूल रोम है, वो भी आपका पास हो, किसके, मृदा कोलोइड के, तब ये कहानी हो सकती है, में आपस में सीधा विनिमय हो सकता है। समझ गए कहानी को, आगे चलें। चलो अच्छा, यहां एक बात और समझो, यहां जो धनायन है आपका मृदा विलयन में जा ही नहीं रहा, डायरेक्ट पेड़ पौधों की जड़ों पर जा रहा है या सूक्ष्म जीव पर जा रहा है, तो मृदा विलयन में आपका धनायन आ ही नहीं रहा, तो जो जल निकास द्वारा जो इसकी हानि है वो संभव ही नहीं है। अरे भाई फ्री ही नहीं है ना, यहां पर मैंने आपको बताया, जैसे ये धनायन है आपका, ये धनायन डायरेक्ट किस पर गया भाई, पेड़ पौधों की जड़ों पर गया, पेड़ पौधों की जड़ों पर गया, जड़ पर जो आपके धनायन थे वो डायरेक्ट किस पर आए, कोलोइडी कण पर आए, तो यहां पर जल निकास द्वारा इस धनायन की हानि संभव नहीं है, यानी इसकी जल निकास द्वारा हानि नहीं होती, यह धनायन आपके या तो पौधे की जड़ों पर पहुंच जाएगा या सूक्ष्म जीवों द्वारा ये इसका शोषण हो जाएगा, ठीक है। समझ के कहानी को आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है, कि धनायन उनमें से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति निम्न बातों पर निर्भर होती है। पहला कौन सा इसने कारक दे रखा है, पहला दे रखा है धनायन संतृप्ति, ठीक है। संतृप्ति क्या है, अभी बताता हूं, आगे आएगा आपका बेस संतृप्ति भी आएगा, ठीक है, क्षार संतृप्ति जिसको बोलते हैं, समझेंगे इसको, देखना भाई, विशेष पोषक तत्व का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है, किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व का जो मृदा की जो धनायन उनमें क्षमता है उसमें उस तत्व का क्या अनुपात है, उसका विनिमय कितना हो रहा है, उसको ही हम किससे दिखाते हैं, धनायन संतृप्ति से दिखाते हैं। आगे देखना का अनुपात क्या है, उदाहरण के लिए यदि मृदा की कैल्शियम संतृप्तता अधिक है तो इसका विस्थापन तुलनात्मक आसानी और शीघ्रता से होगा। अब जिस आयन की संतृप्तता ज्यादा है, जो आयन आपका अधिक मात्रा में है, उसकी ही क्या होगी भाई, विनिमयशीलता अधिक होगी। तो यही बात लिख रखी है कि अगर सपोज आप मान लो कि आपकी जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम संतृप्तता अधिक है तो क्या होगा, इसका विस्थापन तुलनात्मक आसान और शीघ्र होगा। तो कैल्शियम की अधिकता है, कैल्शियम संतृप्तता अधिक है, तो इसका जो विस्थापन है वो तुलनात्मक आपका आसानी से होगा, इसका जो विनिमय है वो आपका कैसा होगा, आसानी से होगा। समझ गए? तो जिस आयन की पर्टिकुलर मात्रा अधिक है, उसकी संतृप्तता अधिक है, उसका विनिमय आपका तुलनात्मक आसानी से संपन्न हो जाता है। Is that clear? आगे चलें, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, संगुणित आयनों का प्रभाव। देखो संगुणन होता है और एक होता है आपका वियोजन, संगुणन बोल सकते हो या इसको आयनन बोल सकते हो, दूसरा, ठीक है। संगुणन में तो क्या होता है, चीजें जुड़ती हैं, और आयनन या वियोजन में चीजें अलग अलग होती हैं, आपके तत्व अलग अलग होते हैं, आयन आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है, देखना भाई इसको एक बार। तो होगा क्या, जो आपके क्ले के कण हैं, जो आपके क्ले के कण हैं, ऐसा तो है नहीं भाई इस पर एक ही प्रकार के इस पर आयन हो सकता है इस पर एक से अधिक प्रकार के आयन हो। मैं कहता हूं इसके ऊपर कैल्शियम 2 प्लस भी हो सकता है, इसके ऊपर H प्लस भी हो सकता है, Na प्लस भी हो सकता है, Mg 2 प्लस भी हो सकता है, ठीक है, कई प्रकार के इसके ऊपर धनायन अधिशोषित हो सकते हैं, ठीक है। तो एक धनायन की अधिकता में
दूसरे धनायन की प्राप्ति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। सपोज मैं बोलूं कि यहां पर कैल्शियम और पोटेशियम में कैल्शियम आयन आपका अधिक मात्रा में, कैल्शियम की संतृप्तता अधिक है, कैल्शियम आपका अधिक मात्रा में, तो प्राप्ति भी ज्यादा किसकी होगी भाई, कैल्शियम आयन की प्राप्ति ज्यादा होगी, और पोटेशियम आयन की प्राप्ति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए? तो जब संगुणित आयन होते हैं तो जो एक अधिक मात्रा में होता है उसकी प्राप्ति दूसरे को प्रभावित करती है, उसकी प्राप्ति तो अधिक होगी जो आपका अधिक मात्रा में, और जो कम मात्रा में उसकी प्राप्ति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, संगुणन हमने क्यों बोला, क्योंकि यहां जो ये दो धनायन है अलग अलग, ये आपस में कैसे हैं भाई, इकट्ठे एक जगह हैं, जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब। तो हम बोलते हैं कि जब संगुणित अवस्था होती है तो एक आयन जो अधिक मात्रा में होता है उसकी प्राप्ति अच्छी होती है, ज्यादा होती है, तो दूसरे की प्राप्ति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। वही बात आपको इस पैराग्राफ में बताई गई है। देखो पढ़ो इसको पूरे को एक बार, क्या लिखा है, एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन संगुणित होते हैं पौधों के लिए पोषक तत्व की प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की प्राप्ति कम हो जाती है, अगर आपका कैल्शियम अधिक मात्रा में है तो पोटेशियम की प्राप्ति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात क्या बोली है भाई इसने, कि इसी प्रकार पोटेशियम की अधिक मात्रा में मैग्नीशियम की प्राप्ति कम हो जाती है। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपका पोटेशियम ज्यादा मात्रा में है, तो पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होगा तो प्राप्ति भी ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की होगी, और मैग्नीशियम की प्राप्ति कैसी हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। समझ गए? तो जिस आयन की मात्रा अधिक है उसकी प्राप्ति बढ़ जाएगी, जिस आयन की मात्रा कम है उसकी प्राप्ति कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब जो आपके कोलोइड कण है उनको धनायन को अवशोषित करने की, धारण करने की शक्ति भी कैसी होती है, अलग अलग होती है भाई। समझ लो किसी एक आयन को ज्यादा मात्रा में अधिशोषित करता है, ज्यादा अधिशोषण कर सकता है, दूसरे आयन को कम मात्रा में अधिशोषित कर सकता है, तो ये अधिशोषण की मात्रा भी इसको प्रभावित करती है। देखो कैसे, पढ़ते हैं एक एक लाइन को, क्या लिख रखा है, कोलोइड के प्रकार, एक सेकेंड, हाँ कोलोइड के प्रकार, कोलोइड के प्रकार देखना भाई, विभिन्न कोलोइड मिसेल क्या है बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, कि विशेष धनायनों को धारण करने की शक्ति कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे क्या दे रखा है, मोंटमोरी लोनाइट में कैओलिनाइट की अपेक्षा कैल्शियम अधिक आसानी से, यानी इसकी कैल्शियम अधिशोषित करने की जो टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है, किसकी, मोंटमोरी लोनाइट की। तो अगर मोंटमोरी लोनाइट से आपको अगर कैल्शियम अलग करना है तो देखो बेस संतृप्ति आपको कितनी रखनी है वो बता रहा है, कि अगर मोंटमोरी लोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करना है तो इसमें चूना मिलाकर जो इसकी क्षार संतृप्तता है, जो इसकी बेस संतृप्तता है, उसको कितना कर लेना चाहिए भाई, 70 कर लेना चाहिए। ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टार लगा के याद रख लेना कि लोनाइट से अगर आपको कैल्शियम प्राप्त करना है तो इसकी बेस संतृप्ति आपको कितनी करनी चाहिए, तो आप बोलोगे इसकी बेस संतृप्ति आपको 70% या 70 आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला, दूसरी ओर अगर कैओलिनाइट से आपको कैल्शियम प्राप्त करना है तो इससे कम बेस संतृप्ति पर भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम आयन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए आप बात को, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, स्टार लगा दिया मैंने, आप इस चीज को याद रखोगे। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा धनायन विनिमय क्षमता और मृदा की उर्वरकता, यानी ये जो धनायन उनमें है ये मृदा की उर्वरकता को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। देखना भाई इस टॉपिक को क्या लिखा है हमने, कि संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात धनायन उनमें क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी पहला जो फैक्टर है वो तो है आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है आपका, सीईसी, धनायन उनमें क्षमता। ठीक है, अब धनायन उनमें क्षमता ज्यादा होगी तो सीधी सीधी बात है पौधे के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी, और पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो सीधे सीधे इनडायरेक्ट वे में एक लाइन में हम बात कर सकते हैं कि अगर मृदा की सीईसी यानी मृदा की धनायन उनमें क्षमता अधिक है तो मृदा की उर्वर शक्ति भी कैसी होगी, अधिक होगी, मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी, फसलें हैं उसमें वो अधिक आसानी से सरलतापूर्वक आप उगा सकते हो। बात को समझ गए आप, आगे एक एक करके पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोला है, अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा उर्वरकता का एकमात्र सर्वोत्तम सूचक क्या है, मृदा की धनायन उनमें क्षमता होती है। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने आपको यह मत सजेस्ट किया है कि जो सीईसी के मान है वो उर्वरकता को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कि अगर आपकी सीईसी के मान, धनायन उनमें क्षमता के मान अगर आपके अधिक हैं तो उर्वरक क्षमता भी आपकी कैसी होगी, अधिक होगी। आगे देखो, किसी मृदा के विनिमय भस्म जहां भी वर्ड आ रहा है आप समझ लो क्षार की बात करें, क्षार का दूसरा नाम ही भस्म है। ठीक है,
विनिमय भस्मों की प्रकार और मात्रा का मृदा के सामान्य गुणों पर सीधा प्रभाव पड़ता है कि भाई आपका क्षार कितनी मात्रा में है, इसके गुण क्या क्या है, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, मिट्टी पर पड़ता है। ठीक है, उच्च कैल्शियम, आगे क्या लिखा है, उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं, उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं सबसे संतोषजनक भौतिक और पोषक स्थिति में होती हैं। यानी अगर कैल्शियम की सांद्रता, यानी मैं वो हूं कि जो कैल्शियम की संतृप्तता है वो अगर आपकी अच्छी प्रकार से है तो आपकी जो मिट्टी है वो आपकी कैसी है भाई, संतोषजनक का मतलब सबसे बढ़िया कंडीशन में होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला है, कैल्शियम प्रधान मृदाएं सैरंद्री और दानेदार संरचना होती है। अब अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो जो आपकी मिट्टी है, जो मिट्टी है वो कैसी होगी भाई, आपकी दानेदार होगी और साथ ही सैरंद्र संरचना होगी। सैरंद्र का मतलब क्या है बताओ भाई, सैरंद्र का मतलब क्या है, सैरंद्र का मतलब है कि वहां पर रंध्र की जो संरचना है, जो मृदा वातन है वो कैसा होगा, अधिक होगा। क्योंकि हमको पता है मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और मिट्टी के अंदर जितने रंध्र ज्यादा होंगे मृदा वातन बढ़िया होगा, मृदा वातन बढ़िया होगा तो हमारे लिए यह अच्छी बात है क्योंकि पौधे की जो उपज है वो अच्छी प्रकार से होगी। समझ गए बात को, देखना भाई, तो देखना भाई जहां पर आपका कैल्शियम अधिक मात्रा में है तो कैल्शियम प्रधान मृदा में, क्ले में मृदा वातन बढ़िया होगा और जल निकास भी कैसा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक क्ले अंश के कारण इसके प्रतिकूल प्रभाव कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर आपका कैल्शियम प्रधान आपकी मृदा है तो वहां पर आपकी संतोषजनक कंडीशन होगी, पौधे को उगाने के लिए आपकी सूटेबल कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, बेस असंतृप्त मृदा। अब असंतृप्त का मतलब इसमें बेस कैसे है, कम है भाई, क्षार कैसे है इसमें, कम है, क्षार कैसे है, कम। और क्षार कम होंगे तो सीधी सीधी बात है अम्लता कैसी होगी, ज्यादा होगी भाई। क्षार और अम्लता एक दूसरे के कैसे अपोजिट, क्षार कम है तो अम्लता ज्यादा होगी और अगर ज्यादा अम्लता है तो वहां पर पौधे की जो उपज है वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती। पढ़ते हैं भाई पैराग्राफ को, देखो क्या लिख रखा है, बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण अम्लता ज्यादा होती है। तो अगर बेस असंतृप्त है, असंतृप्त का मतलब क्षार कम है, तो वहां पर आपकी एल्यूमिनियम और एच प्लस आयन की अधिकता होगी और ये आयन क्या करते हैं, मिट्टी की अम्लता को बढ़ाते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में, आगे चलते हैं। हालांकि ये मृदाएं भुरभुरी होती हैं, आप इनकी टेस्ट करोगे तो ये कैसी होंगी, खसखस होंगी, खस्ता होंगी, भुरभुरी होंगी, लेकिन जब बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से अधिक हो जाती है तो इन मृदाओं में पौधे की वृद्धि अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। लो भाई आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि बेस असंतृप्त मृदा की मात्रा कितनी हो कि पौधे की वृद्धि आपकी भली प्रकार से नहीं हो सके। तो आप कहोगे कि जब बेस असंतृप्त की मात्रा 30% से कैसी हो जाए, अधिक होता है, अधिक हो जाए, अगर 30% से मात्रा, या हम कहें कि 30 से अगर मात्रा इसकी कैसी है, अधिक है, तो मात्रा जब 30 से अधिक होगी तो हम कह सकते हैं कि वहां पर पौधे की वृद्धि अच्छी प्रकार से नहीं होगी। समझ गए आप बात को, आगे चलते हैं। देखो अगली कहानी देखना भाई, देखो जब विनिमय सोडियम की मात्रा कुल धनायनों की 10-15% से अधिक हो तो मृदा जो होती है वो आपकी क्षारीय होती है। क्या कहा, जब विनिमय जो सोडियम है उसकी मात्रा कहां से कहां तक हो भाई, 10-15% से अधिक हो तो आपकी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसी जो मृदा है उनका पीएच मान कितना होगा, पीएच मान उनका 8 से अधिक होगा। तो क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया आपका कि सोडियम की कितनी मात्रा हो कि आपकी मिट्टी क्षारीय हो जाए, तो आप बोलोगे कि जो विनिमयशील सोडियम है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कुल विनिमय धनायनों की 10 से आपकी 15% होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी मृदाओं का जो पीएच है वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, पीएच की वैल्यू भी याद रखोगे स्टार लगा के। जब विनिमय सोडियम का अनुपात इस सीमा से अधिक हो जाता है, यानी 10-15 से कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, या कोलोइडी संकीर्ण को संतृप्त करता है तो एनिक क्ले में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो आपकी क्ले का जो कण था, जो क्ले था आपकी, वो किस में बदल जाएगी, सोडियम क्ले में बदल जाएगी। यानी इस क्ले पर तो पहले और भी धनायन अधिशोषित हो सकते हैं, लेकिन अब सोडियम की संतृप्तता कैसी हो गई, अधिक हो गई, तो बाकी सारे धनायनों को प्रतिस्थापित करके अब इसके ऊपर किस आयनों का जमाव हो जाएगा भाई, सोडियम आयनों का जमाव हो जाएगा। तो ये जो क्ले है वो क्ले अब आपका क्या बन चुका है भाई, सोडियम क्ले बन चुका है। समझ गए इस कहानी को, बात समझ में आ गई भाई, देखना।
तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि सोडियम क्ले का सोडियम क्ले में परिवर्तन कब होता है, जब आप कहोगे कि जो कुल विनिमयशील जो धनायन है उनमें जो सोडियम की प्रतिशतता है वो कितनी हो, 10-15% से ज्यादा हो जाए, तो जब ज्यादा हो जाएगी तब हम कहेंगे कि यहां पर आपकी क्ले है वो सोडियम क्ले में परिवर्तित हो गई। आगे देखो, आगे क्या बोला है हमने, आगे देखो, यह मृदा अत्यधिक क्षारीय होती है। भाई सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है और सोडियम क्या करता है, मिट्टी को क्षारीय बनाता है, तो जब सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है तो मिट्टी कैसी होगी, अत्यधिक क्षारीय होगी। और इसका जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा भाई, 9 से 12 तक हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले सोडियम क्ले का पीएच मान कितना होता है, क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, क्वेश्चन पूछे कि जो सोडियम क्ले है इसका पीएच मान कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 9 से 12 तक। स्टार लगा लो भाई इस चीज को, क्वेश्चन आपको मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में स्टार लगा के रख सकते हो, पॉइंट को हाईलाइट करके आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोला है, ये मृदाएं भी उपजाऊ नहीं होती, यानी ज्यादा अम्लीय हो या ज्यादा क्षारीय हो तो ऐसी कंडीशन में आपके पौधे की वृद्धि अच्छे से नहीं हो सकती, ये मृदाएं कैसी होंगी, उपजाऊ आपकी नहीं होंगी। ठीक है, अगले पैराग्राफ को देखना भाई। हाँ भाई देखो, इसमें क्या कह रखा है कि जो सभी उपजाऊ मृदा हैं उनमें कुल विनिमयशील भस्म कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम की मात्रा सीईसी का लगभग 80 से 90% होती है। क्वेश्चन बन गया भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन होगा देखो, सभी सामान्य उपजाऊ मृदाओं में कुल विनिमयशील भस्मों की मात्रा सीईसी का कितना प्रतिशत होती है, तो आप बोलोगे कि जो कुल विनिमयशील भस्म है, कुल विनिमयशील क्षार हैं, उनकी जो सीईसी का मान है वो कितना होगा भाई, सीईसी की मात्रा का लगभग कितना होगा, 80 से 90% तक होगा। समझ गए, पॉइंट बन गया, क्वेश्चन बन गया, याद रखोगे। ठीक है, तथा विनिमय हाइड्रोजन 20% से कैसा होता है भाई, कम होता है। विनिमय हाइड्रोजन कैसा है, 20% से कम, और बाकी के जो ये आपके आयन है जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, इनकी जो मात्रा है वो सीईसी का लगभग कितना होगा, 80 से 90%। क्वेश्चन बन गया, ध्यान रखना। ठीक है, इन मृदाओं में कैल्शियम मुख्य विनिमय भस्म होता है, और इन ऐसी मृदाओं में जो आपका कैल्शियम आयन है वो मुख्य विनिमयशील क्या होता है, क्षार होता है। समझ गए, यानी उसका जो विनिमय है वो अधिक सरलता से संपन्न होगा। आगे क्या बोल रखा है, जिसकी कुल मात्रा विनिमय धनायनों की 80 से 90% होती है, यानी बाकी आयन जितने आपके विनिमय करेंगे उसका 60 से 80% धनायन का जो विनिमय है वो कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। जैसे मैं बोलूं ये चारों आयन हैं आपके विनिमय की कगार में, ठीक है, तो ये अकेला जो कैल्शियम है, अकेला जो कैल्शियम आयन है उसका जो विनिमय होना है वो कितना होना है, 60 से 80%। बाकी का भी नंबर आएगा लेकिन बाकी का नंबर कम आएगा, इसका नंबर कितना है, 60 से 80%, इसी का क्या होगा वही विनिमय होगा। समझ गए भाई बात को, विनिमय कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर कैल्शियम क्ले बनेगी। अब सीधी सीधी बात है, कैल्शियम का स्थानांतरण हो रहा है तो जो कैल्शियम जो क्ले बनेगी आपकी वो कौन सी बनेगी, कैल्शियम क्ले बनेगी। वहां पर सोडियम का स्थानांतरण हो रहा था तो सोडियम क्ले बन रही थी, यहां पर कौन सी क्ले बनेगी, कैल्शियम क्ले बनेगी। ठीक है, जिसकी अभिक्रिया उदासीन होती है, इसकी अभिक्रिया कैसी होती है भाई, उदासीन होती है, और इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। तो देखो ये मिट्टी लगभग उदासीन है, इस वजह से हम कहते हैं कि अगर आपकी ये जो कैल्शियम बेस संतृप्ति आपकी ज्यादा है तो पौधे की वृद्धि आपकी भली प्रकार से हो सकती है। क्यों, क्योंकि मिट्टी कैसी रहेगी, उदासीन रहेगी। तो कैल्शियम क्ले का पीएच पूछ ले आपसे तो कितना है, 6.5 से 7.5। और एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं, अगर आपसे सोडियम क्ले का पीएच पूछ ले तो सोडियम क्ले का पीएच कितना है, 9 से लेकर 12। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप एक बार और देख लो भाई, समझ गए भाई कहानी को पूरी को। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा भाई, आज इस लेक्चर में हमने आयनों के बारे में पढ़ लिया, विनिमयशील भस्म के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या इसकी प्रतिशत बेस संतृप्तता कैसे प्रभावित करती है, इन सारी बातों की आज हमने चर्चा की। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।